नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है, मैं विकास प्राधिकरण सेवा से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूँ। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में श्री कृष्ण पाल सिंह जी हैं। श्री कृष्ण पाल सिंह जी सेवानिवृत्त अभय अभियंता हैं। अभी जून 2022 में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप एक अनुभवी अभियंता रहे हैं, आपने अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाने में काफ़ी रुचि रखी है अपनी सेवा काल के समय में। आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद अपनी नौकरी के समय ही सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी कर लिया था और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर लिया था, और अपनी शिक्षा बढ़ाने की लगन के लिए ही आपने अपने सेवा काल में ही बैचलर डिग्री इन लॉ भी कर लिया था, LLB भी कर लिया था। तो आप एक विभाग के बहुत ही धरोहर के रूप में पूंजी रहे हैं और विभाग की उन्नति के लिए काफ़ी काम किया है। आज इन्होंने हमारे चैनल को थोड़ा समय दिया, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। तो अब आपसे कुछ शहरी नियोजन और शहरी विकास के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, हो सकता है ये दर्शकों के काफ़ी काम आ जाए इस उद्देश्य से। तो कृष्णपाल सिंह जी, आपने नौकरी कहाँ से शुरू की थी? मैं वर्ष 1986 में सबसे पहले मेरठ में नियुक्त हुआ, फिर मेरठ से मैं आगरा गया और आगरा से कानपुर और कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से फिर रायबरेली, और अब मैं जैसा आपने बताया रायबरेली से सेवानिवृत्त होकर के अब अर्बन प्लानिंग में एक लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी सेवाएं देता रहता हूं, और जो व्यवस्थाएं शहर की सुधर सकती हैं उस पर अपनी राय रखता रहता हूं। आपकी इसी सेवा से मतलब हमने प्रेरणा ली है और आपसे अर्बन प्लानिंग के बारे में कुछ सवाल अपने दर्शकों के हित के लिए जानना चाह रहे हैं। तो क्या जो उद्देश्य था यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का, जो 1973 में फ्रेम हुआ था प्रदेश में नियोजित विकास के लिए, शहरीकरण के लिए, वो उद्देश्य ये एक्ट आज भी पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, आपकी क्या राय है इसमें? उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 जब बनाया गया था और तब से आज के परिप्रेक्ष्य में शहरों की आबादी का जो दबाव है, लोगों की शहरी जीवन शैली में जो आवश्यकताएं हैं, घर की आवश्यकता है, अवस्थापना सुविधाओं की आवश्यकता है, उसमें ये एक्ट पूरी तरह से लोगों की मदद नहीं कर पाया। और इसमें इसका समय समय पे यद्यपि हर 10 वर्ष में रिवीजन होता है, रिवीजन बहुत से शहरों का अभी 2021 के बाद चल भी रहा है, लेकिन बड़ा इसमें आश्चर्यजनक तथ्य ये रहता है कि जैसे 2021 का मास्टर प्लान जब बना था आज से पहले 10-15 साल पहले, तो उसमें जो महायोजना के अंतर्गत जोनल डेवलपमेंट प्लान बनने थे उनके अनुसार सड़कें, सुविधाएं, आवास स्थापना सुविधाएं विकसित होनी थी, वो कार्य अभी तक पूरी तरह से उन नियमों में नहीं हो पाया। और जबकि 2031 के लिए मास्टर प्लान करीब करीब बहुत से शहरों के बन रहे हैं, लागू होने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम आज के समय में अपने शहरों की आबादी को अत्याधुनिक सुविधाएं दें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें भूमि प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं कानपुर शहर की उदाहरण हूँ, जहाँ पे मैं पिछले करीब 20 वर्ष से सेवा में रहता था और अब एक वहाँ के जागरूक नागरिक की भांति रहता हूँ, और मैं विशेषकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी नौकरी के साथ साथ गंगा जी को लेकर के भी कुछ कार्य करता हूँ, और गंगा जी से मेरी असीम श्रद्धा भी है। और मैं जब कानपुर में गंगा जी को देखता हूँ तो बिठूर से लेके जाजमऊ तक कानपुर में जो गंगा जी है, तो जब बंधा बन गया और गंगा जी के दोनों ओर बंधा बन गया, बैराज बन गया, तब भी मैं देखता हूँ कि जो गंगा जी का क्षेत्र है जहाँ से गंगा का प्रवाह होना है या सिंचाई विभाग ने बंधे के बीच की दूरी को रखा है, वहाँ पर भी आज की तारीख में बहुत से अवैध प्लाटिंग होती रहती है। उसमें लोग सस्ती ज़मीन की वजह से या अन्य कारणों से खरीदते हैं, और जब कभी प्रशासन की कार्रवाई होती है तो काफ़ी विलंब से होती है। अगर उसको समय से किया जाए और लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि गंगा एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें सतत प्रवाह है, और जब मानसून का बाढ़ आता है तो पूरा क्षेत्र डूब क्षेत्र में बदल जाता है, तो उसमें कम से कम दोनों ही कारणों से
धार्मिक कारणों से भी और अपनी लागत के कारणों से भी प्लाटिंग ना करें। इसके साथ साथ जो विकास प्राधिकरण है या जो मास्टर प्लान को देखने वाला विभाग है, शहरी नियोजन विभाग, उनके भी दिशा निर्देश जनता के समझ में आने चाहिए। एक मेरा ये सुझाव है कि जब किसी क्षेत्र का, किसी शहर का मास्टर प्लान बन जाता है तो उस मास्टर प्लान की एक पब्लिक को समझ में आने वाली प्रति हम ऐसा उन विभागों में जहाँ विशेषकर रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे होनी चाहिए। और रजिस्ट्री के समय महायोजना के प्रोविजंस को देखने वाला भी व्यक्ति वहाँ होना चाहिए या उस व्यक्ति की NOC लेनी चाहिए। रजिस्ट्री के समय यदि हम इस कार्रवाई को कर लेंगे तो बाद में आने वाली समस्या, जैसे किसी ने अगर प्लाट खरीद लिया और वहाँ पर मास्टर प्लान का यूज़ कुछ और था, उसको मकान बनाने के बाद बहुत सारी कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, प्रशासन को भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जब मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था उसके साथ ही साथ जोनल डेवलपमेंट प्लान भी बना लेने चाहिए ताकि आम लोगों को ये पता लग जाए कि इस आवासीय क्षेत्र में या जो जिस उपयोग का क्षेत्र है उसमें रोड्स कहाँ से निकलने वाली है, कितनी चौड़ी रोड्स निकलने वाली है और रोड्स की जो जमीन है, लैंड है, उसका भी एक्विजिशन साथ साथ मौके पे डिमार्केशन हो जाए, तभी लोगों को पता रहेगा और उसके अनुसार ही वो नियोजित कॉलोनियों का विकास कर पाएंगे। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जी, तभी हम लोग एक अच्छी शहरी व्यवस्था में रह सकते हैं। और जो लोग अपनी गलती से या किसी लालचवश या किसी अनजान जैसे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं उन स्थानों पर जहाँ महायोजना के उपयोग अलग अदरवाइज होते हैं, वो लोग भी बच सकते हैं। अच्छा, इसमें मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी, विकास प्राधिकरण, CTCP विभाग या जो भी विभाग हैं, उनको मास्टर प्लान योजना की जनता को हर संभव जानकारी देते रहना चाहिए, विशेषकर जहाँ रजिस्ट्री होती है वहाँ पर भी और स्थानीय निकायों के जो ऑफिस है वहाँ पर। एक मैं ये कहना चाहता हूँ, कानपुर शहर को देखें हम तो कानपुर शहर में बहुत सारी जमीन शहर के अंदर पुरानी मिलों की है या पुराने ब्रिटिशकालीन इमारतों की है जिसका कोई आज उपयोग नहीं है, वो निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं। यद्यपि वो किसी कानूनी वजह से या अन्य इस तरह की वजह से किसी कार्रवाई से बाधित हैं, लेकिन अगर उसमें सरकार और प्लान बनाने वाले लोग मिल करके बैठ जाएं, तो उससे ये हुआ कि उस जमीन का लोगों को उपयोग मिल जाएगा, शहर की अवस्थापनाओं को हमें उपयोग करने का मौका मिलेगा और जो शहर के बाहर की ज़मीनें कृषि योग्य हैं उनकी कुछ सालों तक हम बचत कर पाएंगे और इस तरह से भूमि का प्रबंधन भी हो सकता है। ऐसा मैंने कई पुराने शहरों में देखा है कि अंदर शहर में ज़मीन पड़ी है लेकिन शहरीकरण बाहर की तरफ हो रहा है, उससे धीरे धीरे एग्रीकल्चर एरिया कम हो रहा है, हमारे संसाधनों पर, पानी के संसाधनों पर पड़ रहा है। तो इसका मास्टर प्लान के साथ साथ एक भूमि प्रबंधन भी होना चाहिए, विशेषकर कानपुर जैसे शहर हैं या जिन जिन शहरों में पहले ब्रिटिश काल के समय में उद्योग थे। बहुत सारे ऐसे भी देखा है मैंने कि सरकारी विभाग आज अपनी नई बिल्डिंग में कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनके पीछे जैसे सिंचाई विभाग की बहुत से शहरों में नहरें बंद हो गई, अब उनकी जो जगह थी वो अवैध निर्माण है, लोगों ने उस पर अवैध कब्जे कर लिए हैं, इससे दोनों ही पक्षों का नुकसान है, गवर्नमेंट को भी नुकसान है और जो अवैध कब्जा करके बैठा है वो बाकी चीज़ों में दिक्कत कर रहा है। तो भूमि प्रबंधन भी हमें करना उचित हो। अभी तक आपने बताया कि हमारे मास्टर प्लान के साथ जनरल डेवलपमेंट प्लान भी साथ में बनने चाहिए और लोगों को इसकी जानकारी भी रहनी चाहिए। और दूसरा बिंदु आपने बताया है कि जब इन प्लॉट्स की, इन इस तरह की भूमि की रजिस्ट्री होने जाए तो संपत्ति प्रबंध का एक आदमी जो मास्टर प्लान की जानकारी भी रखता हो रजिस्ट्री कार्यालय में साथ में रहे, या ऐसी व्यवस्था हो कि रजिस्ट्री करने से पहले मास्टर प्लान सेक्शन से या विकास प्राधिकरण से या जहाँ रेगुलेटेड एरियाज हैं उनके प्राधिकारियों से उस भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी ले ली जाए या NOC ले ली जाए ताकि ऐसी जमीन वो ना खरीद लें जहाँ पर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता हो, तो वो उससे बच सकते हैं। और तीसरे बिंदु में आपने कहा कि जो निष्प्रयोज्य जमीन है, चाहे किसी सरकारी विभाग की हो, चाहे किसी प्राइवेट बड़ी एजेंसी की हो, जो किसी मिल की हो,
अब जो निष्क्रिय जो गई है उनके प्रबंधन के लिए भी एक प्रणाली रखनी चाहिए सरकार को, ताकि उनका यूटिलाइजेशन हम करें, ताकि जमीन का मैक्सिमम यूज हो सके, मैक्सिमम यूज और शहरीकरण की जो क्रिया है वो अपनी मतलब चरम पर आके और प्रबंधित हो सके, सुनियोजित हो सके। चलिए, तो अगर हम नट सेल में आपसे पूछना चाहें कि अब सरकार को प्रमुख रूप से, जैसे कि लखनऊ में अब यूपी स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 4-5 जिले 6 जिले मिलके बनाया जा रहा है, या इन्वेस्टर समिट के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पूरे यूपी में, विशेष रूप से लखनऊ और नोएडा में, इनके लिए अगर भूमि प्रबंधन करना है तो पहले मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट करके उनको जानकारी देना आवश्यक है, आपकी क्या राय है इसमें? मेरा ये कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हमारे देश में या हमारे प्रदेश में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, हमारे प्रदेश में उससे उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होगा रोजगार मिलेंगे और हमारे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भूमि की प्रबंधन की बात है तो भूमि प्रबंधन में उन एरियाओं को भी पहले देख लिया जाए जो भूमि निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है, किसी कारण से बंद पड़ी है। ऐसी भूमि कानपुर में बहुत है, मैंने रायबरेली में अपनी पोस्टिंग के दौरान देखा कि बहुत सारी मिलें थी जिनका जो बंद हो चुकी हैं, किन्हीं भी कारणों से बंद हो चुकी हैं, लेकिन वो भूमि बेकार ही पड़ी है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस तरह से सिंचाई विभाग के बहुत सारे शहरों में ज़मीनें हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो अब बंद हो गए हैं, जिनके ऑफिस नई जगह शिफ्ट हो गए। तो इन्वेस्टर्स को ज़मीन देने के मामले को देखते हुए इस पर भी एक बहुत इफेक्टिव और बहुत त्वरित रणनीति बनाई जानी चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल मिनिमम उस पर करें, मिनिमम हमारी भूमि लगे और मैक्सिमम हमें उसका रिटर्न मिले, ये एक प्लानिंग होगी। अब जैसे आपने पुराने वीडियो में गाजियाबाद का जिक्र किया था, वहाँ डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र में लोग जो पहले से अपने गांव हैं उनकी तो ये नेचुरल मजबूरी है कि उसी गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन जो लोग जानबूझ के उन डूब क्षेत्रों में मकान बना रहे हैं, ऐसे रायबरेली में भी मैंने देखा सई नदी के किनारे बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है जिसमें मकान बने हुए हैं, आए दिन वहाँ की शिकायतें प्राधिकरण में आती रहती हैं, जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण को जाना पड़ता है, नक्शा वहाँ पास नहीं हो सकता क्योंकि वो एक तरह से निषिद्ध क्षेत्र हैं। तो उन जगहों पर पहले से ही पब्लिक को हम अवेयर करें और जो जानबूझ करके करें उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें, ये मेरा कहना है जी। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आपके सुझाव के क्रम में ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब से इन्वेस्टर समिट की बात आई है तब से मेरे पास लगभग 20 लोगों ने ऐसे संपर्क किया है जिन्होंने इन्वेस्टर समिट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, अपनी सहमति दे दी है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब भूमि खरीदने वो गए तो कई लोग ऐसे हैं जो उसमें लैंड यूज उनको पता नहीं लग पाया और कहीं एग्रीकल्चर जमीन खरीद लिए, कहीं ग्रीन बेल्ट और कहीं प्रपोज रोड के बीच उनकी ज़मीनें आ गई हैं और वो उस ज़मीन पर इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो आपकी बात उचित है कि सरकार को पहले लैंड यूज बताना चाहिए पब्लिकली, ताकि जो अपने इन्वेस्ट करने से पहले, ज़मीन खरीदने से पहले ही वो जान पाए कि इस ज़मीन का क्या उपयोग हम कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बताया कि अगर ज़मीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से NOC लेने की कोई प्रक्रिया सरकार कर ले, तो ऐसे बहुत सारे अनजान लोग या जानबूझ के जो बिल्डर उनको फंसा देना चाहते हैं वो सारे लोग बच सकते हैं अपने पैसे को गलत हाथों में जाने से, उनको पहले ही पता लग जाएगा कि इस ज़मीन में कुछ हो नहीं सकता और वो ज़मीन को, गलत ज़मीन को खरीदने से बच सकते हैं जी। तो कृष्णपाल सिंह जी, आपने हमें समय दिया, मेरे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।